हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है जंबो जेब्रा फिंच। तो बेसिकली तो हमने आज जेब्रा फिंच ही कवर करना है, लेकिन बीच में आपको दो चार वैरायटी और दिखा देंगे। जैसे मेरे पास इस पे सोसाइटी भी लगी हुई है, कुछ गोल्डन ब्लू का एक आधा मेल है और लॉन्ग टेल है जो कि ऐसे ही घूम रहा है, अभी ब्रीडिंग के लिए तो नहीं है वो। और ये देखिए सोसाइटी आ गई। तो वीडियो पे एंड तक देखें, इसमें कुछ ब्रीडिंग भी हुआ है एक पेयर का, तो उसके बच्चे वगैरह भी दिखाऊंगा, तो उसके बारे में डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसी ये जो पेयर है इसी के बच्चे हुए हैं। तो और इसने इसका ये भी ऑफ सीज़न में ही दे रहा है, फिलहाल तो सीज़न जस्ट स्टार्ट हुआ है, पर इसने एक दो बार पहले भी दिया था बच्चे और अभी दिए हैं इसने, तो अभी फिलहाल ऑफ सीज़न में है। तो ये एक सेटअप है और इस कमरे में मैंने छोड़े हुए हैं, और ये कमरे में मैंने कुछ 25 वगैरह लगाई हुई हैं। जो मेरे पास सिंगल सिंगल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीस होते हैं उसको मैं कमरे में रूम में छोड़ देता हूँ, और बाकी जो ब्रीडिंग होता है उसको मैं केज के अंदर रखता हूँ, केज बाय केज कराता हूँ। और जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो सबको इकट्ठा खुला छोड़ देता हूँ। तो फिलहाल तो ये कमरे में अभी रह रहे हैं, इस रूम में। अभी मेरा मूड तो है कि इनको एक बड़ा केज दे दूँ, और इस रूम में मेरे पास जो हैंड टेम बच्चे वगैरह हैं पैरट्स के, उनको छोड़ूँ, क्योंकि उसके लिए भी जगह का काफ़ी जगह प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके प्राइस की बात करें तो एक जैसे नॉर्मल जेब्रा फिंच होती है जिसका प्राइस 180, 200, 250, 300 के आसपास होता है मैक्सिमम, और जंबो फिंच का जो होता है इसका प्राइस जो है 1500 से 2000 के आसपास का होता है। किसी किसी जगह पे कम भी हो सकता है, किसी जगह पे ज़्यादा भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास चलता है। तो और इसकी फीड के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसकी सीड मिक्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, इसको सीड मिक्स में वही ऑर्डिनरी जो मिलेट्स वगैरह, कैंट्री सीड्स और छोटी कंगनी ये सब खाते हैं। कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं बनाता हूँ, जो मैं बाकी लवबर्ड्स और इसके लिए बनाता हूँ वही दे देता हूँ। और हाँ, एग फूड देता हूँ, ये देखिए इसकी क्रॉप में एग फूड डाला हुआ है। तो ये तीन बच्चे हैं उस पेयर के, और इसमें एग फूड डाला हुआ है। ये भी इसको ब्रीड कैसे करते हैं, ब्रीडिंग के लिए बहुत आसान होता है, एक आपको मेल लाना है, एक फीमेल लाना है, मेच्योर हो जाएगी तो ब्रीड कर जाएगी। अगर इनफर्टाइल अंडे दे रही है, कुछ दे रही है, तो सब्र से बैठो, पेशेंस रखो, कभी ना कभी ब्रीड कर जाएंगे। और ये जो नेस्टिंग कैसे करनी है, इनको कोकोनट का वो दे दो, और बना के खुद बनाना पड़ता है थोड़ा सा, ये खुद इतना जल्दी नहीं बनाते हैं, आप बनाओगे तो थोड़ा जल्दी नेस्ट पकड़ लेते हैं। कोकोनट फाइबर का वो दे दो, और उसका नेस्ट को घुमा के अब उसको बास्केट में लगा सकते हो, जैसे कि अब बाकी केजेस में आपको बास्केट दिखाऊंगा। और इसमें मैंने एक एज अ एक्सपेरिमेंट वैसे ही मैंने वो लगा दिया था प्लास्टिक का, कि मैंने देखना था कि प्लास्टिक में भी ब्रीड हो जाता है। तो प्लास्टिक का एक मेरे पास डब्बा सा पड़ा था खाली, तो मैंने उसमें ये लगा दिया। आप इवन गत्ते के डब्बे में भी लगा सकते हो, तो आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रीड कराना है तो हो जाएगा। बाकी जंबो जेब्रा फिंच है, जंबो जेब्रा फिंच जो होता है साइज़ में नॉर्मल फिंच से डबल या ट्रिपल साइज़ में ही होता है, जो नॉर्मल होता है उससे ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब डबल तो होता ही होता है देखने में भी। तो इसको जो खाने में, आप इसको सीड मिक्स वगैरह दो, एग फूड दो, और वैसे तो ऑफ सीज़न या जब बच्चे नहीं है तो सिर्फ सीड मिक्स दो बहुत है, और इसको सप्लीमेंट्स और कैल्शियम दे दो जो देने होते हैं। बहुत रेयर देता हूँ, देता ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, इनकी केयर मैं बहुत कम कर पाता हूँ। और कटल बोन डाल दो, जैसे कटल बोन अभी खा रहे हैं तो कैल्शियम का सोर्स तो इनका पूरा हो जाता है, और इनको बेसिकली कैल्शियम ही चाहिए होता है। और ये जैसे ये वाली बास्केट है, ऐसी बास्केट में ब्रीड होता है बेसिकली, आप दोपहर दूसरा भी लगा सकते हैं। ये सोसाइटी का पेयर आ गया, सोसाइटी ने अभी तक मेरे पास कुछ नहीं किया, तो मुझे डाउट हो रहा है दोनों मेल ना हो, क्योंकि मुझे मेल फीमेल का इसका फ़र्क पता नहीं लगता, किसी को भी नहीं पता लगता, विजुअली पता ही नहीं लगता है। और इतनी सस्ती, इतनी छोटी चीज़ के लिए डीएनए तो कोई कराता नहीं है, तो अभी लगाया हुआ है। पर ये मेल मेल भी हुए, तो अगर मैं फॉस्टरिंग कराना चाहूँगा, जैसे गोल्डन वगैरह के एग्स वगैरह फॉस्टर कराने के लिए मैंने लाया था, तो फॉस्टरिंग हो सकता है। और इस सोसाइटी भी अच्छे से चल रहा है, मतलब इसका आवाज़ इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे जेब्रा का होता है, पर ये अच्छे से मतलब फॉस्टरिंग के लिए बेस्ट होता है, इसको बेंगलिश भी कहते हैं, पर बेस्ट पेयर होता है जो फॉस्टरिंग करके आपके बच्चे बड़े करके दे देते हैं, इससे अच्छा कोई पेयर नहीं है जो फॉस्टरिंग करता है। और ये मेरा जेब्रा का दूसरा पेयर है, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो है, और कलर्स का इतना मुझे इतना ही आइडिया नहीं है कि म्यूटेशन कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि मैं जेब्रा फिंचेस में मेरे उसमें नहीं हूँ, ऐसे ही एक आधा पेयर रखे हुए हैं। तो ये वैसे ही मुझे कोई शौक था तो मैंने रख लिया, पर इसमें मुझे म्यूटेशन के ऊपर खेल के वो नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाले जो हैं, इसने भी ब्रीड किया था, एक दो बारी ब्रीड किया, इसने भी ऑफ सीजन में किया है, एक आधा बच्चा निकाला था,
और सेल आउट कर दिए थे मैंने 5-6 बच्चे इकट्ठे, तो उसमें से इसका भी निकला है, पर अभी ये रेस्ट पे है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, आराम करता है बस बैठ के, और जब करेगा वो ब्रीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में बहुत अच्छा ब्रीड करते हैं, सर्दियों में इनका ब्रीडिंग स्टॉप रुक जाता है, इतना अच्छा नहीं करते, लेकिन गर्मियों में ब्रीड करते हैं, लेकिन अपने पास गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मियों में इतना ज़्यादा ब्रीड कराने का भी डर लगता है हमने को। बाकी इसको आप अगर सप्लीमेंट्स और कैल्शियम वगैरह प्रॉपर दोगे तो ये 5-6-7 अंडे आराम से दे देते हैं, मैं इतना नहीं टाइम दे पाता हूँ, तो मेरे पास 4-5 अंडे देते हैं, और उसमें से 4-5 में से हैच भी कर देते हैं सारे। हाँ, लेकिन बच्चे पालने में बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे आराम से सारे बड़े कर देते हैं, तो ज़ेबरा तो बहुत ही अच्छे बच्चे पाल लेती है, इनके फॉस्टर कराने की जरूरत नहीं है, खुद ही पाल लेती है, इवन दूसरों के अंडे भी इसके अंदर रख दो तो ये फॉस्टर कर रही है, उनको बड़ा कर देती है। जम्बो ज़ेबरा वैसे भी साइज़ में बड़ी होती है, तो इसके नीचे गोल्डन वगैरह भी रख देते हैं, तो गोल्डन के दो दो बच्चे तो आराम से निकाल देती है ये। और इसको जो पर्च लगाना होता है, पर्च इसके एक नेस्ट के पास में लगा दो, ताकि ये उसमें नेस्ट में जैसे फीड करते टाइम आराम से देख ले, जैसे कि मैंने कैंट्रीज वाली वीडियो में भी बताया था कि पर्च जो है नेस्ट के पास में लगाओ, ताकि जब मेल फीमेल को फीड करे तो एग वगैरह डिस्टर्ब ना हो फीमेल के, तो यही है इसमें। और ये वाला जो एक बच्चा है इसका, ये जो भी पेयर देखे हो, ये एक्स्ट्रा एक बच्चा में रह गया था, बाकी तो मैंने सेल आउट कर दिया था, ये रह गया था, तो इस ये यहाँ पे घूम रहा है, एक खुले रूम में छोड़ा हुआ है, और एक इसके पास मेरे पास एक बड़ा केज भी है, तो जब मैंने यहाँ पे पैरेट वगैरह छोड़ूंगा तो मैं इनको इकट्ठा कर दूंगा। ये फीडिंग स्टेशन है इनका, इसमें ये फीड खाते हैं इधर बैठ के, तो जो जो खुले होते हैं फीड खाते हैं, और ये केज का सेटअप है, केज का साइज़ जो है 1.25 फीट के आसपास का है, और इसमें आराम से ब्रीड कर जाता है। तो यही है इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम कुछ नया डालते रहते हैं, और एक साइट पे नोटिफिकेशन का वो आएगा, बेल बटन आएगा, आप उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।